एंड एक एपिसोड फ्रेंड्स का देख लीजिए या फिर हमारे फिल्टर कॉफी की कोई भी वीडियो देख लीजिए. यू विल हैव अ गुड लाफ. आई एम अश्योरिंग दैट टू यू एंड यू विल बी ग्रेट बी स्ट्रेस्ड. सो दिस इज पॉडकास्ट एपिटीपी टॉक फॉर टुडे. रिमेंबर ऑल द गाइस इज मैनकन ओवर देयर. डू सेंड इन योर पिक्चर्स ऑन @ गेट लोको नाउ. वेलकम टू लोको वंस अगेन. आज के गेम की हमारी प्राइस बनी है पूरे 50,000 रुपए. उसके बाद 6 बजे आता है स्पीड लोको. एंड स्पीड लोको में आप पैसे के साथ साथ 2 लाइन्स भी जीत सकते हैं, यानी कि अगर आपने 4th और 7th क्वेश्चन का सही जवाब दिया है. सो यू कैन विन 1 लाइफ फॉर ईच राइट आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चंस. 8 बजे है लोको बाजार और 10 बजे हमारा लोको क्विज. सो यू विल मीट अस वेरी सून. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस गेम. क्वेश्चन नंबर 1. व्हिच आइटम इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ मोबाइल फोन अगेंस्ट डैमेज? चार्जर, बैटरी या फिर फोन कवर? देखो, फोन डैमेज ना हो तो होना ही है. आपका भले कितना भी नया फोन हो लेकिन वो आपके हाथ से गिरता ही है. हम सब के हाथ से गिरता है. I'm sure that's why the companies make sure that they provide a cover with the phone when we get the phone. And yes, the right answer is a phone cover. A cover which is a very personalized thing for all of us. And a phone cover can be multi-used. तो आप उसको एज अ कवर ही नहीं लेकिन एक अपने सीक्रेट कैबिनेट की तरह भी यूज कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज हाइड योर इमरजेंसी. वेल, दैट्स योर एबिलिटी टू पीट अप वंस अगेन. क्वेश्चन नंबर 2. इन अ बिल्डिंग व्हिच फ्लोर वुड बी द हाईएस्ट? फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर या फिर सेकेंड फ्लोर? वेल, ये वाला ऐसा सवाल होता है जिसमें हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप एकदम डी स्ट्रेस होगी जो शुरुआत के सवाल है उनका जवाब दे और आपको उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े. यू नो दीज आर लाइक वार्म अप क्वेश्चंस फॉर यू. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 व्हिच इज सेकंड फ्लोर. आई हैव नो आइडिया व्हाई पीपल हैव क्लिक फर्स्ट एंड ग्राउंड फ्लोर. बट डू यू नो कि इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है द इंपीरियल 2 व्हिच इज इन मुंबई एंड वो 60 फ्लोर्स टॉल है. एंड दीपिका पादुकोण आल्सो लिव्स देयर. सो इफ यू कम टू मुंबई यू मस्ट विजिट. क्वेश्चन नंबर 3. Which music streaming service was launched the earliest? Saavn, Gaana या फिर Apple Music? ये हमारा कल रात का भी लगा था. अगर कल रात को 10 बजे आपने हमारे साथ ये गेम खेला था तो आपको पता होगा कि गेम के अंत में हम आपको एक लड्डू देते हैं. And the right answer for this question is Option number 1, which is Saavn. A lot of people thought Apple Music, but let me clarify कि Apple Music was announced on June 8th, 2015. And launched on June 30th, 2015, whereas Saavn was founded in 2007 and Gaana.com was launched in April 2010. Question number 4. Who has won the most number of French Open singles titles? Roger Federer, Rafael Nadal या फिर Max Decugis? ये हमारा आज का सोशल मीडिया लड्डू भी था. तो अगर अभी तक आप हमारे साथ @GetLokoNow पर कनेक्टेड नहीं है तो याद रखिए ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है. यू विल फाइंड अस ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सो डू जॉइन अस ओवर देयर एंड यू विल गेट योर सोशल मीडिया लड्डू व्हिच डस. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रफेल नडाल. आई डेफिनेटली न्यू दैट पीपल विल कंफ्यूज दिस विद रॉजर फेडरर. वेल, लेट मी टेल यू कि रॉजर फेडरर won one French Open title, whereas Rafael Nadal has a record of 11 French Open titles and Max Decugis with 8. Question number 5. North and South Korea jointly bid for Dash to be recognized by UNESCO in 2018. Korean wrestling, Korean boxing, ya phir Korean sword fighting? वेल, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया ने हाल ही में दोस्ती का हाथ बढ़ाया जब किंग जोंग उनने साउथ कोरिया को विजिट किया था, विच वी ऑल नो वेरी वेल. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, विच इज कोरियन रेसलिंग. एंड यूनेस्को एक्सेप्टेड अ जॉइंट बिड फॉर कोरियन रेसलिंग टू बी रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेजर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस. एंड दैट्स हाउ दे कम टुगेदर वंस अगेन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. हियर यू गो. Which team earned the most tackle points in the 5th Pro Kabaddi season? Gujarat Fortune Giants, Puneri Paltan ya phir Patna Pirates? Well, in the 5th Pro Kabaddi season, Patna Pirates scored the highest score with 1050 points. And if you have followed the season at all, you would know ki unke tackle points the 250
right answer being Puneri Patan with a tackle point score of 271, whereas Gujarat the Fortune Giants came in second with 254 points. And that is the right answer. We've got about 7,000 people who've got it right. Moving on to question number 7. Who was India's first Prime Minister after the RBI Act was enacted? Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, ya phir Jawaharlal Nehru? But in sab baaton mein hum wapas apni history ke samay chale jaate hain aur history mein hame ye sab baatein batayi gayi thi. The RBI Act 1934 was enacted on 6th March 1934. 6th March is by the way. The right answer for this question is option number 3, which is Jawaharlal Nehru. Reserve Bank of India Act 1934 is the legislative act under which the Reserve Bank of India was formed, and Jawaharlal Nehru became India's first Prime Minister in 1947. Question number 8. What would be the sum of the atomic masses of calcium and carbon? 26, 48, ya phir 52? केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा कई बार बोलते हैं कि अरे केमिस्ट्री का क्वेश्चन आई नो इट्स वेरी सब्जेक्ट ओरिएंटेड बट आई एम श्योर कि विथ लोको हेल्पिंग यू टू इंक्रीज योर नॉलेज यू नो द आंसर बाय नाउ एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 52 और पीपल थॉट 26 एंड 48 अगर आपने तुक्का लगाया तो लेट मी इंक्रीज योर नॉलेज ओवर हियर अ कैल्शियम एटम हैज अ मास ऑफ 40 amu व्हिच इज एटॉमिक मास यूनिट कार्बन्स एटॉमिक मासेस 12.0107 amu, so together being 52 amu is the atomic mass unit. Question number 9. The spouse of the current Prime Minister of the UK works for which institution? Capital Group, JP Morgan Chase, Yapir Goldman Sachs. Well, the current Prime Minister of United Kingdom is Theresa Mary May, and her husband is Philip John May, is a British investment relationship manager. And the right answer for this question is option number 1, which is Capital Group. And Philip May is a senior executive of Capital Group, an investment firm who buys shares in all sorts of companies across the globe. So we are moving to the last question of today's quiz. All the best. The Brahmaputra River covers the least area in which Indian state? Nagaland, Meghalaya, or none of the above? Well, the river Brahmaputra covers a catchment area of about 580,000 square kilometers right from its origin in Himalayas. And the right answer for this question is option number 1, Nagaland. A lot of people thought Meghalaya, but let me tell you that Meghalaya ka jo area covered hai, that is 11,667 square kilometers, whereas in Nagaland, it's 10,803 square kilometers.